व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग फूड्स विद गीता। टाइटल देख के तो आप समझ चुके होंगे कि आज मैं क्या शेयर करूंगी। जी हाँ, आज मैं मेथी के परांठे की रेसिपी शेयर करूंगी। सर्दियों का मौसम आ गया है तो गर्मा गर्म नाश्ता क्या बनाया जाए, तो क्यों ना मेथी के परांठे बनाए जाएँ। और अगर बच्चों को मेथी बिल्कुल पसंद नहीं है तो इस तरह से परांठे में बना के खिलाइए, उन्हें बेहद पसंद आएगी। आप उन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और मैं शेजवान सॉस के साथ खाना पसंद करती हूँ, आप चाहें तो चाय या दही के साथ खा सकते हैं। और मेथी के साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं, जैसे कि डाइजेशन अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेगा, और कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप बिना तले बनाइए उनके लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये 3 कप आटा लिया है मैंने, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं जीरा पाउडर ले रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ, और 1/2 टीस्पून मैं मिर्ची लूँगी। इस मसाले से पराठे का स्वाद और बढ़ जाएगा। तो ये मसाले भी मैंने ऐड कर दिए आटे में। इसमें हम क्रंचीपन लाने के लिए थोड़े से प्याज भी ऐड करेंगे। ये 2 बारीक कटे हुए प्याज हैं, जिसमें मैंने हरी मिर्च भी काट के ऐड कर दी है। तो इस प्याज से जो है क्रंचीपन आएगा, कुरकुरापन आएगा पराठे में, खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसे भी हम ऐड कर देंगे और हाथ से यूँ मसल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे मेथी। ये मैंने कस्तूरी मेथी ली है, बड़े पत्ते वाली। इसमें मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते भी काट के ऐड कर दिए हैं। तो ये मेथी भी हम ऐड कर लेंगे। कस्तूरी मेथी अक्सर हम खाने में ऐड करते ही हैं, इससे स्वाद जो है बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैं आटा गूंद लूँगी। सॉफ्ट सा डो रेडी करना है हमने, तो ये मैंने सॉफ्ट सा डो रेडी कर लिया है अच्छे से। इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे दूसरे बर्तन में। इसे मैंने 15 मिनट से रखा था आटा। तो चलिए परांठे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मैंने तवा जो है गरम रख दिया है, तब तक हम परांठे को बेल लेते हैं। मैंने रोटी से थोड़ा बड़ा थोड़ा ज़्यादा आटा लिया है लोई के लिए, तो इस तरह से गोल परांठे बनाऊंगी मैं। आप चाहें तो तिकोने या स्क्वायर में भी बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आटा लगा के मैं हाथ से गोल आकार दूंगी इसको, और थोड़ा सा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। तो इसे बहुत पतला बेलना है हमें। ये मैंने पतला पतला बेल लिया है और तवा भी हमारा गर्म है। तो चलिए परांठे सेक लेते हैं। तो परांठा मैंने तवे पे रख दिया है, एक तरफ से सिक जाएगा तो मैं इसे पलट लूँगी। देखिए एक तरफ से सिक गया है, तो मैंने पलट लिया है परांठे को और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा लूँगी। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं, मैं ऑयल से ही बना रही हूँ। तो दूसरी तरफ से सिक जाएगा, सिक गया है तो मैं पलट लूँगी परांठे को। ये मैंने पलट लिया है, इस तरह से पलटे से हर जगह से हम हल्का हल्का दबाते जाएंगे। परांठा हमारा मेथी का परांठा जो हमें फूलने नहीं देना है, क्योंकि मेथी का परांठा फूल जाएगा तो स्वाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें दबाते हुए इस तरह से क्रिस्पी बनाना है। एक तरफ से बड़े अच्छे से पक गया है, दूसरी तरफ से भी देख लेंगे। तो हल्का हल्का और सेक लेते हैं इसे, इस तरह से दबाते हुए सेक लेंगे। तो हमारा परांठा जो है हर जगह से अच्छे से सिक गया है। तो हमने इसी तरह से दोनों परांठे भी सेक लिए हैं, बारीक पतले पतले, और बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं गर्मा गर्म परांठे। सर्व कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने सर्व कर लिया है परांठा शेजवान सॉस के साथ। देखिए कितना कुरकुरा बना है, और अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी है। तो मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।